फ्रेंड्स, आज के वीडियो टॉपिक में हम जानेंगे कि जब किसी को किसी भी चीज़ का नियम का पालन करने के लिए बोला जाए, अगर किसी को नियम का पालन करने के लिए बोला जाए या फिर आप बोल सकते हैं कि उसे अवश्य करना है, जरूरी है वो करना, तो फिर वहाँ पे किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम बनाते हैं जिससे कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो सही हो या फिर हम जो बोल रहे हैं वो सही बोलें। तो फिर वहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बनाते हैं वह स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं या फिर सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग करते हैं, और फिर वहाँ पे हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का याद है आपको कि वहाँ पे हम सब्जेक्ट, इज एम आर और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। हम एक ही साथ हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव तथा साथ ही साथ उसका अफर्मेटिव भी देखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करीब करीब हर जगह पे यूज करने के लिए हमें ज़बरदस्ती या फिर कोई भी आवश्यक चीज़ है जिसके लिए हमें ये चीज़ बोला जाता है कि आपको ये चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं वहाँ पर, एक आइए एक हम सेंटेंस लेते हैं। आप यहाँ बैठे एवं चुप रहें, यू आर टू सीट हीयर, टू सीट हीयर एंड कीप क्वाइट, एंड कीप क्वाइट। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा, यू सब्जेक्ट आर और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज किए हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे वापस आने तक तुम इस कमरे में प्रतीक्षा करो, यू आर टू वेट, यू आर टू वेट। याद है आपको यहाँ पे यू के बाद आर उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किए हैं। यू आर टू वेट हियर इन दिस रूम, इन दिस रूम अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, अंटिल आई रिटर्न, यानी तुम मेरे वापस आने तक तुम इस कमरे में प्रतीक्षा करो। सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनना है, ऑल स्टाफ आर टू वियर यूनिफॉर्म्स। आपको ये याद रखना है, कैसे बनाते हैं, क्या मुझे ठहरने का आदेश है, अगर इसको हमें इंग्लिश में बोलना हो तो फिर कैसे बोलते हैं, क्या हमें ठहरने का आदेश है। एम आई टू स्टे, क्या मुझे यहाँ ठहरने का आदेश है। अब पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ये चीज़ बोलना हो तो फिर अब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देयर इज़ नो मनी। What I am to do now। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई आदेश दिया जाए तो फिर हम वहाँ पे जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सब सेंटेंस बनाते हैं होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम उसको बनाते हैं उस सब्जेक्ट को। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जो ये काफ़ी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर लेकर आते हैं कुछ नया। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।